नमस्कार दोस्तों, तो जान लेते हैं कि इस सितंबर मंथ में कैसे परफॉर्म करने वाले हमारे स्टॉक्स। अगस्त मंथ में धुआंधार परफॉर्मेंस जो बोलते हैं ना, वो दिए हमारे दो स्टॉक्स ने, और एक स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, ओबेरॉय रियल्टी, जो अपने ही जगह पे खड़ा रहा। बाकी आरईसी ने लगभग 30% के आसपास रिटर्न दिया है, 192 से लगभग 250 का लेवल उसने दिखाया है, और अभी भी उसमें इनबॉर्न स्ट्रेंथ है। और ये मैंने लगभग 120 के आसपास सजेस्ट किया था, लगभग 4 से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो की लिंक मैं ऊपर में देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, वो मैंने बताया है, और उनमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है 4 से 5 गुना होने की इन आने वाले 4-5 सालों में, और अभी कुछ शेयर उसमें चलने शुरू हुए हैं, कुछ अपनी ही जगह पे खड़े हैं, तो उनको मिस मत करना। इस महीने में जो तीसरा स्टॉक मैंने बताया था ना, BEML, उसने भी धुआंधार परफॉर्मेंस दिया, लगभग 1810 के लेवल पे बताया था, और उसने लगभग 2500 के लेवल को टच कर दिया, 40% का रिटर्न एक महीने के अंदर में। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, इन तीनों का एवरेज निकाला जाए, एक नन परफॉर्मर और दो परफॉर्मर इनको जोड़ दिया जाए ना, तो 22% ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है। जहां लोग साल भर लगा देते हैं ऐसा रिटर्न कमाने में, वो आपको एक महीने के अंदर में मिल रहा है। अब जान लेते हैं इस महीने के शेयर्स। तो इस महीने जो मैं शेयर्स बताने वाला हूं, उनमें मतलब इतने ज़्यादा शेयर्स हैं ना जो अभी परफॉर्म करने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है यहां से बहुत बुरी तरह भागेंगे, नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बुरी तरह से भागेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, जहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो डीमैट अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं, और उसके थ्रू आप मेरे उस ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा मैं आपको। वहाँ पे मुझे जो भी मतलब अभी तो क्या है, मंथली मैं आके बताता हूँ, वहाँ पे मुझे डेली में जो भी समझ में आता है ना स्टॉक, डेली में या मंथली में, वीकली में, जो भी मुझे समझ में आता है ना, उसकी मैं लिस्ट वहाँ पे डाल देता हूँ, या उस स्टॉक का नाम मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, और कुछ नहीं। और मैं जो बाइंग या सेलिंग करता हूँ ना, वो भी जनरली वहाँ पे डाल देता हूँ। अभी सिंपल सा मैं पहले स्टॉक के ऊपर मूव कर जाता हूँ। तो हमारा पहला स्टॉक एक सरकारी कंपनी है, और ये सरकारी कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करती है। अब दूसरी कंपनी जो है वो एकदम तेज़ी से बढ़े जा रही है, और ये जो पहली कंपनी है जो उसकी होल्डिंग कंपनी है, उसमें उतनी तेज़ी नहीं आ रही है। कहना क्या चाहते हो भाई, इतना घुमा रहे हो। तो ये कंपनी भी एक सरकारी कंपनी है, और इसके अंदर गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है लगभग 60% के आसपास इस गवर्नमेंट की होल्डिंग है। 454 रुपये का इसका भाव चल रहा है, और ये एक होल्डिंग कंपनी मतलब इसकी ये क्या करती है, ये बेसिकली कुछ करती नहीं है ये कंपनी। इसने क्या किया है, जैसे हम और आप स्टॉक्स खरीद के बैठ जाते हैं ना, वैसे ही इसने एक कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके ये बैठ रही है, और इसको होल्ड कौन कर रही है, सरकार इसकी प्रमोटर है। तो अल्टीमेटली जो जिस कंपनी को होल्ड करके बैठी ना, वो भी सरकारी कंपनी हो गई, और वो है बाल्मर लॉरी एंड कंपनी, उसको होल्ड करके बैठी है ये, और उसमें लगभग 9-10% की अभी चाल आ रही है। और इस स्टॉक के अंदर में जो इसकी होल्डिंग कंपनी है उसके अंदर में 2-3% ऐसी मूव आ रही है, तो इसमें बहुत हाई कैपेबिलिटी है कि ये बहुत तेजी से मूव करेगा। इसका नाम है बाल्मर लॉरी एंड इन्वेस्टमेंट, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, डिटेल्ड वीडियो है, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है, 30-40 रुपये का डिविडेंड है ये हर साल देती है, और मुझे ये उम्मीद है मतलब अगर इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3000 करोड़ की इसकी पेरेंट कंपनी मतलब बाल्मर लॉरी का जो वैल्यूएशन है लगभग 3000 करोड़ का है, और इसमें 60% होल्डिंग किसकी है, बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इसका वैल्यूएशन देखेंगे ना, सिर्फ 1000 करोड़ का है, जबकि इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1800 करोड़ का इसका वैल्यूएशन बैठता है, लगभग डबल के आसपास। तो यहां से 450 का भाव है, लगभग 900 नहीं जाए तो कम से कम 600-700 के आसपास जाने की इसमें उम्मीद है। ये सारे के सारे मेरे गेसेज हैं, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यहाँ पे जो भी स्टॉक बता रहा हूँ उनपे इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। इसमें जो स्टॉप लॉस बैठता है ना, वो लगभग 400 रुपये का स्टॉप लॉस बैठता है, और जिसके जो टारगेट बन के आते हैं वो 500 रुपये और 550 और 700 रुपये, ये भाव इस कंपनी के अंदर में बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। ये बेसिकली एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये मान के चलिएगा। अब मैं जान लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। दूसरी अभी मेरे पास है ना क्या लिस्ट ऑफ कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट बनी हुई है, और अभी मार्केट में क्या हो रहा है ये भी बता देता हूँ। अभी निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये सभी मैं अपनी एलएलएस जो भी इंडेक्स के बारे में होता है ना, वो भी मैं अपने मेन ग्रुप में डाल देता हूँ, वो भी फ्री का है। यहाँ पे एक मार्केट का ओवरव्यू भी दे देता हूँ। यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारे के सारे इंडेक्स है ना, आने वाले कुछ 3-4 महीने के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अभी हल्की फुल्की गिरावट है, ये ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। तो अगर लंबे टाइम के हिसाब से किसी को एक्युमुलेट करना हो ना या इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। अभी हमारी दूसरी कंपनी के बारे में बता देता हूँ। दूसरी कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, और 251 रुपये का इसका भाव चल रहा है। यहाँ से बहुत हाई उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ही भागेगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बैठता है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, 230 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस बैठेगा, और इसके टारगेट्स लगभग 260 रुपये, 270 रुपये और 290 रुपये का इसका टारगेट बैठता है। और ये कोई और कंपनी नहीं है, ये कॉफ़ी पिलाने वाली कंपनी है, टाटा कॉफ़ी। अभी मेरे पास बहुत सारी ऐसी लिस्ट पड़ी है जिसमें जो स्टॉक इस महीने में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, सेलेक्ट करना है, तीन स्टॉक बताना आप लोगों को, तो मैं 3 स्टॉक तो बता दूंगा। इसके ऊपर मैं बोनस में आप लोगों को 3-4 स्टॉक और बता दूंगा, बाकी आप देख लेना, सिर्फ नाम लूंगा और उसका प्राइस बता दूंगा, बाकी आप लोग देख लेना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अभी क्या है, मार्केट के अंदर में एक और गुब्बारा फूट रहा है। वो गुब्बारा क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग 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 करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर में, और अपने फॉल्स मतलब एडिट करके अपने PNL डालते रहते हैं। ये सब क्या होता है, बेसिकली लोगों को उकसाने के लिए होता है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, तो उनके झांसे से दूर रहें। और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा नाम सामने आया है, उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है, GT करके है कोई बंदा, उसने बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। उसने अपने जो ट्रेड्स है ना कई सारे छुपाए हुए हैं,
जो जहाँ पे उनको लॉस होता था वो नहीं बताया है, और एक दो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब और भी उन्होंने हाइड किए हैं वो दिखा देते थे जब प्रॉफिट होता था। कई सारे मतलब घोटाले चल रहे हैं, तो बच के चलना चाहिए ऐसे मार्केट के अंदर में। यहाँ मैं अभी तीसरा स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा स्टॉक हमारा NTPC है। NTPC में लगभग 231 रुपये का भाव चल रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 220 रुपये का स्टॉप लॉस है, और टारगेट क्या है 240 रुपये, 250 रुपये और 270 के आसपास हमारे टारगेट बैठते हैं। NTPC मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लंबे टाइम के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म, मतलब अगर कोई लंबे टाइम के हिसाब से अगर इसको होल्ड करता है ना, 1000 रुपीज़ के भाव भी इसमें आएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। अब चौथी कंपनी बता देता हूँ, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है मारुति, और मारुति का भाव लगभग कितना 10,330 के आसपास चल रहा है। ये बहुत अच्छा कर सकता है, यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, इस महीने बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अभी दूसरी एक और कंपनी है वो भी इसी सेक्टर की है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, लगभग 1600 का भाव चल रहा है, 1600 तो नहीं है, 1590 के आसपास इसका भाव चल रहा है। यहाँ से ये और आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। और मालूम है ये ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक चल रहे हैं ना, तो इसके पीछे में बाद में कौन चलेगा, तो इनकी जो इसी एंसिलरी से जो रिलेटेड कंपनी है ना, जो इनके प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मैन ऑन बियरिंग है, ऐसे ही एक और है इम्पाल करके, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इम्पाल बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में ज़्यादा कहीं आपको मिलेगा नहीं, इम्पाल बहुत अच्छा है, लगभग 809 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा है। फिर एक स्टॉक है आपका इंडियन होटल, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। मतलब ये सारे जो स्टॉक है ना, बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, 424 का भाव उसका चल रहा है इंडियन होटल का, यहाँ से भी इसकी बहुत हाई कैपेबिलिटी है, इसी मंथ में ये 480 के भाव भी दिखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिर जो मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके अंदर में मैंने अभी एक दिन पहले ही एक स्टॉक सजेस्ट किया था, रेलटेल करके 208 के आसपास सजेस्ट किया था, एक दिन के बाद में लगभग 246 का भाव उसने दिखा दिया। अभी स्टॉक बहुत अच्छे से भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। अच्छे स्टॉक खरीदें तो उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी भी रखें, वहाँ डर के निकलना नहीं है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल भी डरना नहीं है आप लोगों को। यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे, खत्म।